उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी की जनता को कई करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद आपसे मिलने का अवसर नहीं मिला। आपने विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा जताया है और दोबारा से अपना अमूल्य वोट हमें देकर एक बार फिर हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया है। झांसी दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा और प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने बृहस्पतिवार को बुंदेलखंड को 328 करोड़ से भी अधिक की परियोजनाओं का लाभ दिया है, जिसके लिए जनता को बधाई दी और अभिनंदन भी किया। इस दौरान जिलाधिकारी झांसी के द्वारा लिखी गई पर्यटन विकास की पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। सीएम ने कहा, डबल इंजन की सरकार के साथ निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार विकास कार्य करती दिखाई देगी। उन्होंने मन से जनता से भाजपा को नगर निगम निकाय चुनाव में जीत का आशीर्वाद देने की अपील भी की। इस दौरान मन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। प्रदेश के इस क्षेत्र को पहले सूखा और अराजक तत्वों के लिए माना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य व व्यवस्थाओं से समृद्ध होने के बावजूद कुछ अराजक तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर को बहुत खराब तरीके से दिखाया जाता है। इस दौरान उन्होंने 328 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड को बड़ी सौगात देते हुए कहा कि बुंदेलखंड विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हर घर शुद्ध पेयजल पहुंच रहे हैं। शुद्ध जल से तमाम बीमारियां दूर होती हैं। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। यहां की धरती से माफिया खत्म किए जा चुके हैं। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलती जा रही है। उन्होंने अराजक तत्वों पर प्रहार करते हुए कहा कि अपराधियों पर व्यापक कार्रवाई की जा रही है। 2017 से पहले माफिया अपराधी हावी थे। पहले माफिया अपराधी पुलिस को भी परेशान करते थे, मगर अब पुलिस से डरे हुए हैं। वहीं प्रबुद्ध जन सम्मेलन में आए प्रदेश के मुख्यमंत्री का कई समाज सेवी संगठन और पत्रकार अधिवक्ता संघ व्यापार मंडल की ओर से उनका सम्मान किया गया। प्रदेश के मुखिया के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा, सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक बबीना विधायक, गरोठा विधायक, मऊ रानीपुर विधायक, भाजपा महानगर अध्यक्ष पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी, एमएलसी रमा निरंजन, विधान परिषद सभापति, जिलाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर आदि लोग उपस्थित रहे। आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विधानसभा चुनाव के बाद किसी बड़े आयोजन के माध्यम से आपके साथ संवाद करने का अवसर यहां नहीं प्राप्त हो पाया था। विधानसभा चुनाव में आप सब ने, झांसी के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए प्रदेश में फिर से सरकार गठन के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मैं इसके लिए पूरे झांसी वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज आप सबको 322 करोड़ के से अधिक की इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का हमें यहाँ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए अपने सभी मान्य जनप्रतिनिधियों का मैं हृदय से उन्हें बधाई देता हूँ और आप सबको इन योजनाओं के लिए आप सभी झांसी वासियों को हृदय से आपका अभिनंदन भी करता हूँ। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड कभी प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सूखा, बदहाली, अराजकता और प्राकृतिक संसाधनों पर लूट खसोट के लिए जाना जाता था। प्राकृतिक सौंदर्य और संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद कुछ नीच स्वार्थी तत्वों के द्वारा बुंदेलखंड की तस्वीर बहुत खराब ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बना था मैं 2017 में, और उस समय प्रधानमंत्री जी से जब मैं मिलने के लिए गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात मुझसे कही कि प्रदेश का दौरा जब शुरू करे तो बुंदेलखंड से अगर आप कर सके पहुंचा। मैंने जानने का प्रयास किया क्या कि बुंदेलखंड क्यों, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो तस्वीर बुंदेलखंड की प्रस्तुत की जाती है
आजादी है, बुंदेलखंड को उससे उभारना है और वहां के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता हो वह करने की आवश्यकता है। झांसी से राहुल उपाध्याय के साथ धीरज शिवारे की रिपोर्ट।